और दोस्तों सही बता रहा हूँ यार, बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहाँ पर भाई रियलमी का फोन ही बढ़िया है, क्योंकि हमें 8 का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। अच्छी बात है, यह है वीवो की तरह नहीं कि 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ देके बस एक काम चलाने वाला काम किया, भाई यूजलेस कैमरा है, शर्म करो यार तुम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो मिड रेंज लेवल स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है वीवो Y35 वर्सेस रियलमी 9 प्रो 5G स्मार्टफोन, और आपको बताएंगे दोस्तों कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा वाला आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि वीवो के अंदर हमें 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको डिस्प्ले यहां पर कंटेंट वॉचिंग वाली चाहिए ना, तब आप यहां पर भाई किसी के साथ मत जाना, क्योंकि AMOLED पैनल हमें कोई भी नहीं दे रहा। लेकिन यार अगर आप एक गेमर हैं और गेमिंग के हिसाब से डिस्प्ले लेनी है ना, तब आप यहां पर भाई Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट आपको अच्छे वाली गेमिंग करवा देगा। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एस्पेक्ट रेशियो की, तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन 20:9। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको बता दूं कि वीवो का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि फनटेस्ट 12 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि रियलमी UI 3.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें चिपसेट की, तो यहां पर वीवो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 684G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हमें दोनों में किसी एक को चूज करना हो ना, स्पेशली गेमिंग के लिए, तब आप यहां पर भाई Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि जो Snapdragon 695 दिया गया ना, वो भाई बढ़िया वाली गेमिंग करवा देगा आपको। ये यहां ये Vivo की तरह नहीं, मतलब पैसे बचाने पर लगे हुए हैं, 680 दे रहे हैं बंदे, यार तुम भी 695 दे देते, क्यों पैसे बचा रहे हो यार। और वहीं अगर हम बात करें एंटूटू स्कोर की, तो यहां पर वीवो फोन का आता है 2,80,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन का आता है 4,05,000 के करीब। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छे एंटूटू स्कोर वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तब आप यहां पर भाई रियलमी की तरफ जरूर से जाइए। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे वीवो की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ Realme फोन का मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों सही बता रहा हूं यार, बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर भाई Realme का फोन ही बढ़िया है, क्योंकि हमें 8 का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। अच्छी बात है, यह है Vivo की तरह नहीं कि 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ देके बस एक काम चलाने वाला काम किया, भाई यूजलेस कैमरा है, शर्म करो यार तुम। और अगर हम यहाँ पर बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और वहीं अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। और वहीं अगर हम बात करें फास्ट चार्जिंग की, तो यहां पर वीवो का फोन 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों फास्ट चार्जिंग के मामले में यहां पर वीवो का फोन विनर है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो यहां पर वीवो का फोन 4G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है। साथ ही दोस्तों 3.5mm जैक भी हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें स्पीकर्स की, तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें सिर्फ सिंगल स्पीकर ही दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्टीरियो वाला मजा नहीं मिलेगा आपको। और वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के साथ में आते हैं। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि वीवो फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 18,500 रुपए, वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 21,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, वीवो को या रियलमी को,
कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यार आप 2500 रुपए एक्स्ट्रा पे करके ना रियलमी की तरफ ही जरूर से जाओ, क्योंकि आप चाहे डिस्प्ले देख लो, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अच्छी बात है भाई, चिपसेट भी आपको तगड़े वाला मिल रहा है, कैमरा सेटअप भी बढ़िया वाला मिल रहा है, तो भाई ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है ना वो हमें वीवो वाले से काफी अच्छी देखने को मिल रही है। यानी कि दोस्तों आप ओवरऑल गेमिंग भाई रियलमी के साथ अच्छे वाली कर पाएंगे। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।